दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 10 दिसंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रही 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले महामुकाबले के लिए भारत की नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि हमने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम को अपने घर में T20 सीरीज में बुरी तरह से मात दी है, अब उसी प्रकार से हम साउथ अफ्रीका की टीम को उसके घर में जाकर पूरी तरह से सीरीज हराने के लिए हम अब मैदान पर उतरने वाले। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए सब कुछ बताने वाले कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 महामुकाबला कब और कहां खेला जाना है और भारत की क्या प्लेइंग 11 होने वाली है। लेकिन उससे पहले, अगर सूर्य कुमार यादव के लिए आप T20 का एक खतरनाक बैट्समैन मानते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा है कि हमारी टीम के युवा बल्लेबाजों ने सभी तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस प्रकार से T20 सीरीज में एक धमाकेदार प्रदर्शन करके हमने 5 T20 मैचों की सीरीज 4-1 से अपने नाम किए, उसी प्रकार से अब हम साउथ अफ्रीका की टीम को साउथ अफ्रीका में ही हराने के लिए मैदान पर उतरेंगे। हालांकि साउथ अफ्रीका की टीम के बल्लेबाज तथा गेंदबाज जिस प्रकार से T20 क्रिकेट के एक खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं, इसलिए भारतीय टीम और साउथ अफ्रीका के बीच यह सीरीज काफ़ी कड़ी और रोमांचक भरी होने वाली है। हालांकि इस सीरीज में भारतीय टीम में कई धाकड़ खिलाड़ियों एंट्री होने जा रही है, जो वर्ल्ड कप में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले रविंद्र जडेजा, श्रेयस अय्यर, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज जैसे धाकड़ खिलाड़ियों की इस सीरीज के लिए भारतीय टीम में एंट्री हुई है, जिससे टीम की प्लेइंग 11 और भी मजबूत होने जा रही है। हालांकि साउथ अफ्रीका की टीम ने जिस प्रकार से भारत में आकर वर्ल्ड कप में एक धमाकेदार प्रदर्शन किया था, उसी प्रकार से वह भारतीय टीम के खिलाफ हर हाल में जारी रखना चाहेगी। हालांकि जिस प्रकार से टीम इंडिया के दोनों युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन करके भारतीय टीम के लिए सीरीज जिताने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उसी प्रकार से वह अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। हालांकि टीम इंडिया T20 क्रिकेट की एक खतरनाक टीम मानी जाती है और अभी टीम इंडिया T20 की एक नंबर एक टीम है, इसलिए साउथ अफ्रीका की टीम के लिए यह सीरीज काफ़ी कड़ी और रोमांचक भरी होने वाली है। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान एडम मार्करम ने कहा है कि हम अपने घर में हर हाल में सीरीज जीतना चाहेंगे। हाँ, जहां पर अभी तक दोनों टीमों T20 क्रिकेट में 24 बार आमने सामने आई हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 13 बार जीत दर्ज की है, तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम ने मात्र 10 बार जीत दर्ज की है। इसीलिए भारतीय टीम के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम का अपने घर पर हमेशा से ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है, इसलिए टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए काफ़ी बचकर रहना होगा। तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान एडम मार्करम ने भी ऐलान कर दिया है कि हमने जिस प्रकार से भारत में आकर अपने वर्ल्ड कप में धमाकेदार प्रदर्शन किया था, वही हम अब भारतीय टीम के खिलाफ भी अपना जारी रखना चाहेंगे। तो भाई, सूर्य कुमार यादव ने पहले T20 जीतने के लिए इस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने का फैसला किया है, जहां पर टीम की ओपनिंग जोड़ी एक बार फिर से दोनों युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ करने वाले। हालांकि जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में यशस्वी जायसवाल ने निराशाजनक प्रदर्शन किया है, वह भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए चिंताएं बढ़ रही है, इसलिए उनकी जगह ईशांत किशन भी इस सीरीज में टीम की ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो भाई, ऋतुराज गायकवाड़ एक अलग ही फॉर्म में दिखाई देने दे रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन करके भारतीय टीम के लिए जीत दिलाई थी, वही उसी प्रकार का प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई जा रही है। वही 3 नंबर के लिए टीम इंडिया में श्रेयस अय्यर जैसे धाकड़ बल्लेबाज मौजूद हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने वर्ल्ड कप में लगातार अच्छा प्रदर्शन करके भारतीय टीम के लिए फाइनल में पहुँचाने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाई थी। तो वही राहुल द्रविड़ और सूर्य कुमार यादव का कहना है कि हम अब 2024 की T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए अब हम पुराने खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर नए नए खिलाड़ियों को अजमा रहे हैं। तो भाई, 4 नंबर के लिए भारतीय टीम की परेशानियां बढ़ रही हैं, क्योंकि टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव T20 क्रिकेट में वर्ल्ड कप में फ्लॉप साबित होने के बाद अब वह T20 में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि वह जिस प्रकार के पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन किया था, वह उसी प्रकार का प्रदर्शन अपना जारी रखना चाहेंगे। तो भाई, 5वें नंबर के लिए टीम के पास फिनिशर और युवा विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि जितेश शर्मा ने जिस प्रकार के IPL में पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए धमाकेदार प्रदर्शन किया था, वही प्रदर्शन उन्होंने
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लास्ट के दो टी20 मुकाबलों में जारी रखा था। तो भाई 6 नंबर के लिए टीम के पास सबसे बड़ी दावेदार रिंकू सिंह माने जा रहे हैं, क्योंकि रिंकू सिंह जिस प्रकार का टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं वह एक अलग ही बात है, और उन्होंने भारत की 6 नंबर की सबसे बड़ी परेशानी भी दूर करती है। तो भाई 7वें नंबर के लिए टीम में ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा की दोबारा से टी20 क्रिकेट में वापसी होने जा रही है, इसलिए वह 7 नंबर के लिए सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने वर्ल्ड कप में बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया था। तो वहीं 8वें नंबर के लिए टीम के पास दो बड़े दिग्गज स्पिनरों में जद्दोजहद देखने को मिल सकती है, जहां पर कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई मौजूद है। अब देखना होगा कि सूर्य कुमार यादव इन दोनों खिलाड़ियों में से किसको टीम की प्लेइंग 11 में खिलाने का मौका देना चाहेंगी। तो वहीं 9 नंबर के लिए टीम के पास तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज मौजूद है, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने टी20 क्रिकेट में एक बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया था, और उन्होंने वर्ल्ड कप में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं। तो 10 नंबर के लिए टीम के पास जैसे धाकड़ ऑलराउंडर मौजूद है, क्योंकि दीपक चहर गेंदबाजी के अलावा बैटिंग भी कर लेते हैं, जो भारतीय टीम के लिए एक अच्छी ऑलराउंडर के विकल्प के रूप में मिल सकते हैं। तो भाई आखिरी नंबर के लिए भारतीय टीम के पास तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मौजूद हैं, क्योंकि अर्शदीप सिंह टी20 क्रिकेट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते आ रहे हैं, और उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टी20 महामुकाबले में आखिरी ओवर में 9 रन बचाकर भारतीय टीम के लिए सीरीज जिताने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव इसी प्लेइंग 11 के साथ ही साउथ अफ्रीका की टीम को पहले टी20 में हराने के लिए मैदान पर उतरने वाले हैं। आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या बदलाव किए जाने चाहिए, आप हमारे लिए कमेंट करके जरूरी बता सकते हैं।